हाय गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमबी न्यूज 27 के इवनिंग बुलेटिन में। बंगाल में नया बवाल, मनोनीत सांसद स्वप्नदास गुप्ता को टिकट देने पर घिरी भाजपा, टीएमसी और कांग्रेस ने उठाए सवाल। एनआईए को मिला सबूत, स्कॉर्पियो नहीं हुई थी चोरी, वाजे ने सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज कराया था डिलीट। सदन में बोले अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष ड्यूएट पाशे को यूएनएससी में स्थायी सदस्य के लिए भारत का समर्थन। बंगाल के मनोनीत सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने दिया इस्तीफा, भाजपा से टिकट मिलने पर टीएमसी ने जताया था ऐतराज। बंगाल में योगी बोले 2014 के बाद बदला भारत, ममता को चंडी पाठ का सहारा, राहुल टेक रहे मंदिर में माथा। एस्ट्राजेनेका को लेकर मिल रही शिकायतों पर केंद्र गंभीर, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन पर रोक के आसार नहीं। मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण कर रही सरकार, बैंकों की हड़ताल पर राहुल गांधी। असम में AIUDF के साथ गठबंधन पर कांग्रेस से बीजेपी का सवाल, राहुल प्रियंका है फिर अजमल की क्या जरूरत। राजस्थान में फोन टैपिंग पर बवाल, सचिन पायलट के धैर्य की परीक्षा। जामिया को फिर से खोलने की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन। क्वाड सम्मेलन, बौखलाए चीन ने कहा शीत युद्ध की मानसिकता छोड़े चारों देश। पाकिस्तान कराची विस्फोटक में अर्धसैनिक बल के एक जवान की मौत, 10 हुए घायल। अब जर्मनी और फ्रांस सहित 5 देशों में लगाई जा रही एस्ट्राजेनेका टीके के इस्तेमाल पर रोक। अमेरिका में डेव हॉलैंड को बनाया गया आंतरिक मामलों का सचिव, इस अहम काम को देंगे अंजाम। म्यांमार सैन्य शासन से उठाया बड़ा कदम, यंगून की 6 टाउनशिप में मार्शल लॉ। ब्रिटेन EU से अलग होने के बाद पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करेंगे PM जॉनसन, अप्रैल में आएंगे भारत। उत्तर कोरिया सर्वोच्च नेता की बहन किम यो जोंग की अमेरिका को चेतावनी, चैन से सोना है तो बारूद से बना ले दूरी। भाजपा का ऐलान, बिहार पंचायत चुनाव में भाई भतीजा नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं की होगी भागीदारी। बिहार क्राइम, मोतिहारी में पंचायत चुनाव से पहले खूनी खेल, पैक्स अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या। बिहार विधानसभा में शराबबंदी के बाद सर्पदंश पर हमला, अपने ही विधायक के सवाल पर फंस गए मंत्री नीरज बबलू। बिहार विधानसभा में सत्ता और विपक्ष में नोकझोंक, अध्यक्ष ने महाभारत का उदाहरण देकर कही बात। बिहार में फिर डराने लगा कोरोना, लहर के चलते स्वास्थ्य विभाग जारी कर सकता है नया गाइडलाइन। बिहार में बड़ी संख्या में होगी सरकारी भवनों का निर्माण, पटना में साइंस सिटी और दरभंगा में तारामंडल। मुरादाबाद से बिहार में शराब की तस्करी करने वाले माफिया अलाउद्दीन गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। और अब अंतिम खबर, बिहार के सभी सरकारी बैंकों में लगातार 4th दिन लटका रहा ताला, ATM भी हुए खाली। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MB News 27। धन्यवाद।